हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन जेडीआई एकेडमी। जेडीआई एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, द हिंदू और महत्वपूर्ण मैगजीन्स का से रूबरू कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, एज यू नोन दैट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि द हिंदू का जो करंट अफेयर्स होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये समझ लीजिए कि लगभग 70-80% पूरा का पूरा एग्ज़ाम में वहीं से जाकर के फंसता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज बिना किसी देरी के अपने अपने निर्धारित टॉपिक पर चलते हैं। और आज बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आए हैं। ये समझ लीजिए कि इतने बेहतरीन आर्टिकल हैं कि उससे आपका पूरा का पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 4-5 आर्टिकल आज हैं, तो हम लोग बिना किसी देरी के अपने अपने आर्टिकल पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग हमारे सामने पहला आर्टिकल देख रहे होंगे, मणिपुर के विषय में है। और ये जो मणिपुर की घटना हो रही है, इस मणिपुर की घटना से क्या कैसे हो रहा है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, सरकार कैसे इसको प्रेफर कर रही है, इसको देखती कैसे है, वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। तो अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही इस व्यवस्था के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं, ये पूरे के पूरे ऐतिहासिक तरीके से लेकर के बताया गया है। तो आइए हम लोग इसको बिना किसी देरी के देखते हैं। और आपके सामने आज मैं हिंदी में लिखा हुआ आर्टिकल्स लेकर के अवेलेबल हूँ, जहाँ पर आपको कई लड़के कह रहे थे कि सर लिख करके लाइए। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग अपना खोल लीजिए, मैं लिख करके भी आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आर्टिकल में जो बात कही गई है, आप लोग अपना द हिंदू न्यूज़पेपर खोल लीजिएगा या जिस किसी भी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं उसका भी, और अगर नहीं भी है तो तब भी लिखने के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आथर इसमें कहते हैं कि जो मणिपुर की घटना है, जो मणिपुर में वर्तमान समय की जो सिचुएशंस है, जो उसमें नरसंहार बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं, जो नरसंहार इस समय चल रहा है मणिपुर में, वो कोई विचित्र घटना नहीं है। इससे पहले 1990 ईस्वी में नाका कुकी संघर्ष में जब हुआ था 1990 ईस्वी के दौरान, तो उसमें सैकड़ों बेगुनाह मार दिए गए थे। और जो मणिपुर की आदिवासी कम्युनिटी थी उसमें बहुत ही जो है दीर्घकाल तक नरसंहार चला, उसमें कई लोग बेघर किए गए, उनके पूजा स्थल गिराए गए, उनको जो है एक तरीके से उनके आवासीय स्थलों पर आक्रमण करके उनको भगाया गया, उनको मारा पीटा गया, कत्लेआम किया गया। और उसके सब वो जो एरा था, क्या कहते हैं कि जब यहाँ पर एक बाइबल की शिक्षा का भी राइटर उल्लेख करते हैं कि लव द नेबर, मतलब कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपने पड़ोसियों से इज्जत से पेश आओ, इसका कोई भी मतलब नहीं निकला, क्योंकि ये जो जनसंहार किया गया था ये किसी न किसी हिंसा से प्रेरित था। और इस बार जो जनसंहार किया गया है वो कुकी और मिताई के बीच हिंसा के माध्यम से किया गया है, कुकी और मिताई आपस में लड़ रहे हैं, ये भी किसी न किसी पॉलिटिकल व्यू से प्रेरित है। तो आज ये जैसा कि विचित्र घटना के विषय में बात कर रहे थे कि कुकी की जो 1990 की कहानी है, कुकी का जो संघर्ष है वो पहला कोई संघर्ष नहीं है। 1990 में उन्होंने नागा से किया, 2003 में दिमासा असम से किया, 2004 में करबी से किया, 1997-98 में पाइटस मणिपुर से किया, फिर जो अभी नवीनतम चल रहा है वो मेती द्वारा एसटी की मांग की जा रही है, मतलब एसटी दर्जे की मांग की जा रही है, उसमें किया। और जो ये सब, तो जो कुकी और ये सब जो संघर्ष थे, इसके अलावा जो नवीनतम किया गया है वो मेती की द्वारा एसटी की मांग की जा रही है। और राज्य सरकार इसमें चिंगारी का काम कर दी है। राज्य सरकार ने क्या किया कि वन क्षेत्र में जो आदिवासी कम्युनिटी रहती है उसमें वन क्षेत्र का पूरा सर्वे कराकर उनको, आदिवासी कम्युनिटी को बेदखल करने का प्रयास किया गया। एक तरीके से जो आग लगी थी उसमें और घी डाल दिया, उसको और तरीके से बदलने का प्रयास कर दिया। तो मणिपुर में क्या हुआ कि पहाड़ी घाटी का विभाजन का जो हो हल्ला, कई टिप्पणीकार किए थे कि मणिपुर में पहाड़ी घाटी का विभाजन हो रहा है, वहाँ पर कई सारे नेताओं के द्वारा बात की गई कि पहाड़ी घाटी को विभाजित कर दिया जाएगा, उसके लिए जो है एक अलग प्रोसेस लाया जाएगा। तो ये जो बात, ये जो अनाउंसमेंट हुआ, इसने और ज़्यादा वहाँ की सिचुएशंस को क्रिटिकल कर दिया, और ज़्यादा सिचुएशंस को ख़राब कर दिया, बैड कर दिया। ये तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड था कि क्यों जो है ये आपस में कुकी और मिताई लड़ रहे हैं, कुकी अब तक कितनी लड़ाइयाँ लड़े हैं। लेकिन जो यहाँ पर ऐतिहासिक रूप है, ऐतिहासिक रूप का मतलब जो स्थलाकृति है, जो उसकी बैकग्राउंड है वो क्या है, उसको जो
उसको हम आइए आपसे उसकी चर्चा करते हैं। अब मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर घाटी का जो विभाजन है वहाँ पर, ये देखिए स्थलाकृत विभाजन। स्थलाकृत विभाजन का मतलब क्या हुआ कि जो स्थलाएँ हैं, जो ऐतिहासिक रूप से जो वहाँ पर स्थलाकृति होती है, हुआ क्या कि जो आप जब आप मणिपुर देखेंगे, जो स्टेट है, पूर्वोत्तर स्टेट है, वहाँ पर वो इलाका उठा हुआ है। तो वहाँ पर और उठता कैसे है, यहाँ पर थोड़ा सा राइटर ने ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट लिया है कि जब कोई भी पहाड़ या घाटी कब बनती है, जब पृथ्वी के अंदर के जो प्लेटें होती हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो उनके बीच फोल्ड पड़ जाता है, और जब वो एक दूसरे से हटती हैं तो उनके बीच ट्रस जो है गड्ढा बन जाता है, यानी कि प्लेट नीचे चली जाती है और वहाँ की जो ज़मीन होती है वो नीचे धंस जाती है। तो अब ये क्या है कि इस तरह जो स्थलाकृति है उसका जो ऐतिहासिक रिफॉर्म है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव हुआ, और एक ही ऊंचाई पर वहाँ पर जो है पहाड़ी और घाटी का निर्माण हुआ, और जो जो भौगोलिक विशेषताएँ थी उनके बीच स्थलाकृति का द्विभाजन हुआ। फिर इसके अलावा जो और वहाँ पर टकराने, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से बने इम्फाल और मणिपुर में जो ज़िले हैं, चुराचनपुर, उखरुल, चंदेल, और इसके बाद जो पड़ोसी स्टेट है नागालैंड और मिजोरम, ये सब जो है जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराई, यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप धन एशिया, तो ये सब प्लेटें जब आपस में टकराई तो उनके बीच फोल्ड से ये सब एरिया उठ गए और उसका निर्माण हो गया इतने का। और फिर जो एरिया धस गए यानी कि नीचे चले गए वो ब्रह्मपुत्र घाटी का आकार लिया, और ये जो है टक्कर से बना हुआ जो गड्ढा होता है उसका हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि योजना आयोग आया, योजना आयोग ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन तीन स्टेटों को पहाड़ी राज्य के रूप में वर्गीकृत कर दिया और असम को पहाड़ी क्षेत्रों वाला राज्य बना रहने दिया। अब इम्फाल घाटी की बात की जाती है कि इम्फाल घाटी जो है वो कैसे है कैसे नहीं है, कहने का मतलब है कि इम्फाल घाटी 790 मीटर ऊंची है, और इसके बाद जो है मणिपुर में पहाड़ियों के साथ इसके जो मतलब कि जब इम्फाल घाटी और मणिपुर की जो पहाड़ी है उसकी जब बात की जाती है तो उन दोनों को ऐसे रिलेशंस में प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि ब्रह्मपुत्र घाटी और गुवाहाटी जो 50 मीटर है और कोहिमा जो 1444 मीटर है और आइजवाल 1132 मीटर के मौजूद है, यानी कि ये सब जो है आपस में ही एक तरीके से मौजूद हैं। और अब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज़ों ने क्या काम किया कि नागा और जो लुसाई थे वो असम में नागा और लुसाई पहाड़ी से ब्रह्मपुत्र का विभाजन मणिपुर में करना चाहते थे, और ये जो औपनिवेशिक कानून होता था, औपनिवेशिक जो कानून है उसके एवज में ये लोग किए हैं। औपनिवेशिक कानून का कोई मकसद नहीं है, उसका केवल एक ही काम होता था कि कैसे हम अंग्रेज़ों की पूर्ति करें। और अंग्रेज़ों का जो विभाजन था वो केवल और केवल जो है जनसंख्या के संदर्भ में था, और जनसंख्या के संदर्भ में क्यों किया गया, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा हम गृह कर ले सकेंगे, उतना ही ज़्यादा हम पर टैक्स आएगा, उतना ही ज़्यादा हम मानवीय संसाधन को पाएंगे। और घर पर अगर लेते किसी क्षेत्र के एरिया में तो क्षेत्र पर उतना ज़्यादा न तो टैक्स आता, ना तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू हासिल होता, और न ही उतना ज़्यादा अधिक रूप से मानवीय संसाधन मिलते थे। इसलिए अंग्रेज़ों की एक चालाकी रहती थी कि कैसे जो है हम अपना हित साधें। इसके बाद जो राजस्व था गृह कर के रूप में लिया जाता था, और मणिपुर में जो पहाड़ी और घाटी ये दोनों से राजस्व जनरेट होता था। और पीपल को जो विभाजित किया गया था वो विभिन्न कानूनों के तहत, एक तो पीपल क्या थे वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको विभाजित कर दिया गया था, और विभाजित करने के बाद उनको विभिन्न कानूनों के तहत शासित कर दिया गया था। यहाँ पर औपनिवेशिक जो रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, और जो उनका द्वारा कैलकुलेशन किया गया औपनिवेशिक रणनीति और मानव ज्ञान के द्वारा जो वहाँ पर स्ट्रेटजी लाई गई, वो वास्तव में जो इन्फॉर्मेशन की यानी कि जो सूचना दी वो पहाड़ी जनजाति के रूप में वर्गीकृत करके अधिक समीकृत, जो मणिपुर का एक क्या कहते हैं अधिक समीकृत किया, जो मणिपुर का एक अलग आपराधिक नागरिक कानून द्वारा शासित रहते थे। यहाँ पर हुआ क्या कि जो औपनिवेशिक रणनीति थी
और जो मानव ज्ञान था उसका जो कैलकुलेशन किया गया सूचना के लिए, उसने यानी कि जो सूचना प्राप्त हुई औपनिवेशिक रणनीति की और औपनिवेशिक मानव ज्ञान की, यानी कि अंग्रेजों के समय से जो सूचना प्राप्त हुई, एक तरीके से वो जियोग्राफिकल मिसप्रेजेंटेशन था। आगे चलकर के जो इसको वर्गीकृत किया गया लोगों को एक हिल ट्राइब्स के रूप में जो शासित किए जाते थे एक अलग कानून और नागरिक कानून के तहत मणिपुर राज्य में। ये जो बात कही गई राइटर के द्वारा कि ये जो मणिपुर में ये लोग रहते थे एक अलग कानून और नागरिक नियमों के तहत अलग तरीके से ये इनके ऊपर शासन किया जाता था, हिल ट्राइब्स के ऊपर यानी कि पहाड़ी जनजातियों के ऊपर। तो इसको जो है औपनिवेशिक सरकारों के द्वारा गलत तरीके से इस विषय में सूचना दी गई, और ये सूचना जो एक तरीके से इररिस्पेक्टिव थी कि ये चाहे कुछ भी हों, चाहे जैसे रहते हों, यानी कि दे लिव्ड इन दी हिल आर वैलूज, वे चाहे जहाँ रहते हों और चाहे जैसे रहते हों, चाहे जो भी हों, उनके ऊपर जो नियम्स लगाए गए हैं, जो क्रिमिनल्स और सिविल लॉज हैं, वो मणिपुर में सबके लिए एक समान हैं, और उनकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो एक समान है। तो इस तरीके से इसको जो है जियोग्राफिकली की रूप से यानी कि भौगोलिक दृष्टिकोण से इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, इनका जो तो प्रेजेंटेशन था, जो क्लासिफाइंग करने का तरीका था, वो मिस प्रेजेंटेशन पेश किया गया, ये अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। और इसके बाद जो यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उत्तर औपनिवेशिक स्टेट में, तो इसका जो विस्तार है पहाड़ी जनजाति को योजना आयोग ने इसको औपनिवेशिक जो कानून था उसको दूर करने के अलावा, दूर करने की बात तो दूर, उसको क्या काम किया, उसका विस्तार और कर दिया। उसने क्या काम किया कि पहाड़ी जो जनजाति थी उसको औपनिवेशिक श्रेणी में ही रहने दिया और उसको एसटी के रूप में डाल दिया, यानी पहाड़ी जनजाति को एक एसटी के रूप में डाल दिया, और उनके अलावा जो और लोग बचे थे उनको जनरल में डाल दिया। इसके बाद उनमें से बाद में जैसे सुधार हुआ तो उसमें से कुछ को पिछड़ा वर्ग में वर्गीकृत कर दिया, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट उनको बना दिया। और मणिपुर का जो भू राजस्व और भू अधिनियम 1960 है और आर्टिकल 371 सी है, उसमें क्या हुआ कि इन कानूनों के द्वारा मणिपुर की भूमि को डिवाइड किया गया, विभाजन किया गया, और इसने इस भूमि के विभाजन ने लोगों के विभाजन के और वृद्धि कर दिया, मतलब और लोगों के बीच में विभाजन को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि जब भूमि का विभाजन होगा तो परिवार और सामाजिक संबंध आपसी में ये तालमेल का जो चक्र होता है वो टूट जाता है, तो ये विभाजन को और अधिक बढ़ा दिया। और यही नहीं, एक अब पहाड़ी क्षेत्र की जो स्थिति थी उसके लिए इन लोगों ने राज्य विधानमंडल तक का विभाजन कर दिया। राज्य विधानमंडल के अंदर एक मिनी विधानसभा जिसका नाम हिल एरिया कमेटी है उसको शुरू करके विधानमंडल का भी विभाजन कर दिया। पूरी दुनिया में इस तरीके का कहीं भी विभाजन नहीं होता है जहां पर एक कॉम्पैक्ट पहाड़ी क्षेत्र और छोटा क्षेत्र हो, उसमें कुछ जातियां रहती हों जिनकी भाषा एक ही हो, तो उस इस तरीके से उनका विभाजन बहुत ही अन्यायपूर्ण है, गलत है। और इसमें एक जो सामाजिक वैज्ञानिक है चार्ल्स टेलर, उनकी जो बात है कि वे अपनी सामाजिक कल्पना करते हैं, और उनकी जो सामाजिक कल्पना है वो क्या है कि इस तरीके की जो लोगों का रहन सहन है, लोग अपने सामाजिक अस्तित्व की कल्पना करते हैं, और कल्पना करने में और कल्पना जब करते हैं तो उनके मध्य जो परिणाम निकल करके आता है वो वास्तव में एक तरीके से रहन सहन, पॉलिटिकल कल्चर और उनका जो आवास होता है वो सब निकल करके आता है। और इस तरीके की जो घटना घटती है वो अपने आप में एक बहुत ही, आप कह सकते हो कि इनरेबिटेटेड है, यानी कि इन रिस्पेक्टेटेड है, वो असंगत है पूरी की पूरी तरीके से। अब ये लोग क्या करें, इसके बाद इसमें जो है मान लीजिए ये तो अंग्रेज़ों ने किया, अंग्रेज़ों ने अपना कार्यभार करके चले गए, उनको हर हाल में राजस्व वसूलना था, एक तरीके से मानवीय संसाधनों का उपयोग करना था। अब इसके बाद
योजना आयोग को करना चाहिए था, लेकिन योजना आयोग ने जो अंग्रेजों ने कानून लाया था उसको और विस्तार कर दिया। अब इसमें राजनीति की भूमिका आ जाती है, यानी कि पॉलिटिकल भूमिका क्या है, पॉलिटिकल रूप से क्या 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 इसमें है। पॉलिटिकल भूमिका ये है कि जब से चुनावी लोकतंत्र की इसमें प्रतिस्पर्धा हुई और इसके जो राजनेता हैं वो कुछ सामाजिक अभिजात वर्ग जो एसटी के बीच में हैं, उन्होंने इसके इसको इस घटना को लेकर के सांप्रदायिकता की भावना को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया, यानी कि सांप्रदायिक कथा बुनना शुरू कर दिया चुनावी लाभ लेने के लिए, और कुकी जो जनजाति है उसको एसटी दर्जे की जो मांग है वो उसकी बात करने लगे। और इसके बाद राज्य का जो असमान विकास है, राज्य का जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसको लेकर के ये लोग मेती पर आरोप लगाने लगे, जो वहाँ पर राज्य है कि मेती जो मेती जनजाति के कारण जो है वहाँ पर एक सिमेट्रिकल डेवलपमेंट स्टेट का नहीं हो पा रहा है। और घाटी का जो तर्क दिया गया उसमें कि पहाड़ी लोगों को वंचित करने का एक प्रचार किया गया, और ये लोग जो है जो जिला मुख्यालय है उसकी तुलना इम्फाल जो कि राजधानी है उससे करने लगे, जहाँ पर 36% आबादी रहती है जिसमें जनजाति नान जनजाति और भारत से बाहर के देश के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से एक गलत तरीके का प्रचार, गलत तरीके की सांप्रदायिक भावना, गलत तरीके से मोटिवेट किया गया इन लोगों को, और जो वहाँ की स्थलाकृति है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, ये सब उसको हटा दिया गया, यानी कि डेवलपमेंट इशू, स्थलाकृति, जनसंख्या, कानून, आर्डर, ये सब जो होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और जो प्लानिंग होनी चाहिए, ये सब जो रियल मुद्दे थे उसको दरकिनार कर दिया गया, वास्तविक मुद्दे को हटा दिया गया, और उसकी जगह एक तरीके का विभाजन, एक तरीके से सांप्रदायिकता, एक तरीके से एक अलग कहानी ये लोग लेकर के आए, जो कि एक अति जो जातिवादी होती, जो राष्ट्रीयता होती है, अति जो एक तरीके से ट्राइबनल आइडेंटिटीज़ होती है उस पर बेस्ड होता है अधिकांश रूप से, उसको ये लोकल ले उसको जो है ये लोग लेकर के आए, और उसके चलते इन लोगों ने एक अलग तरीके की डिमांड की, एसटी की डिमांड की। अब एसटी की डिमांड के बाद जो है ये लोग सीधा सीधा अब कहने लगे कि हमको एसटी का दर्जा दिया जाए, और आरक्षण के लिए ये लोग मांग करने लगे, उनके लिए एक अलग स्टेट की ही मांग करने लगे, भी आगे भी निकल करके आएगा। तो इस तरीके की जो घटना थी वो पूरे के पूरे तरीके से राइटर कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता से ओतप्रोत थी, पॉलिटिकल भावना से ओतप्रोत थी, और इसको जो है इस नज़रिए से अगर आप किसी स्टेट की अखंडता की बात करते हैं, अखंडता को लेकर के चलते हैं, तो यह बहुत ही गलत है, और इस खून खराबे से, हिंसा से, दंगे से कोई भी जो स्टेट है, जो वहाँ के 3 मई को हुआ घटना जो अभी घटी है, इस तरीके से कोई भी राज्य या स्टेट एकजुट होकर के नहीं चल सकता। वायलेंस पे बेस्ड स्टेट कभी भी अखंड नहीं बन सकता है, उसको जो है इस तरीके की भावना या दुर्भावना से नहीं देखना चाहिए। और ये जो वायलेंस है, इसको जो वायलेंस जब किया जाता है तो उसके पीछे कोई न कोई लाभार्थी और उसके उद्देश्य होते हैं। जो वायलेंस करते हैं उनको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो करवाते हैं, जो बोलते हैं इस तरीके का, वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि इस तरीके की जो मिताई विलेज, हालांकि घाटी में जो घटना है, हमला है, वो अभी भी कम हुआ है, जो वायलेंस है वो घाटी में कम हुआ है, लेकिन जो अटैक है मिताई गांवों पर वो अभी भी निकल कर के आ रहे हैं, और उनकी जो मांग है वो है कि एक अलग फेडरेशन की, एक अलग असिमेट्रिकल फेडरेशन की, और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि अलग प्रशासन की, अलग स्टेट की, अलग अपना संघ की, यानी कि जो मिताई संघ है वो अलग अपना हम संघ बनाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, यानी कि विकेंद्रीकरण, हमको अलग प्रशासन चाहिए, और जो बैली घाटी से जो पीपल हैं उनको हम निकालेंगे, और एक ये जो है एक वेब पोर्टल पर कुकी के MLA के द्वारा कहा गया है। ये जो तरीका है इस तरीके से ये बहुत ही रॉन्ग है, किसी MLA के द्वारा कहा जाना,
किसी जाति या किसी भी समुदाय के खिलाफ कि ट्राइबल पीपल फ्रॉम रेजिडेंसिंग इन द वैली, यानी कि रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जनजाति की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं, उनको जो वैली घाटी में ये लोग रह रहे हैं वहाँ से इनको हम निकालेंगे। तो ये एक तरीके से आपस में मिली जुली है, आपस में मिली भगत है, इस तरीके की वायलेंस किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ, इसको रोकने के लिए एक राइटर कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच का मतलब है कि उसका जो उसमें किसी भी कम्युनिटी की ना हो, जुडिशरी सिस्टम है वो जब जांच करेगी तभी जा कर के इसके कारणों को पाएगी और तभी इसका समाधान कर सकती है, और बाकी पॉलिटिकल से ये जो समाधान निकलेगा वो और गहराता चला जाएगा, उससे कोई भी लाभ नहीं निकल सकता। तो ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा आर्टिकल था, कैसे घटना घटी, कैसे हुआ। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है बायो मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है ये। इंडिया इज ए क्वार्टलेट मैन्युफैक्चरिंग हब, इसमें देखिए कहा क्या गया है, ये आप लोग देख रहे होंगे ये आर्टिकल। इसमें मेनली जो बातें कही गई हैं उसको हम बता रहे हैं। इसमें कहा क्या गया है इंडिया के विषय में, इंडिया के बारे में। अभी जो क्वाड सम्मेलन हो रहा था, क्वाड सम्मेलन अभी हुआ है, क्वाड सम्मेलन अभी जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था मार्च 2021 में जो हुआ, सॉरी अभी जो मार्च 2021 में हुआ क्वाड सम्मेलन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, उसमें जो टेक्नोलॉजी उभर कर के आई, फैसिलिटी जो कॉरपोरेशन को उभर कर के आई, मॉनिटर जो ट्रेंड्स को उल्लेख किया गया, अपॉर्चुनिटीज़ को उल्लेख किया गया, डेवलपमेंट और क्रिटिकल इमर्जेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि क्वाड सम्मेलन जो 2021 में आया था तो उसने बहुत एक तरीके से जो जो मुद्दों पे बात किया था वो था डेवलपमेंट का मुद्दा, बायोटेक्नोलॉजी का मुद्दा, जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं, चुनौतियां हैं, अवसर हैं, व्यापार है, कॉरपोरेशंस है, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन सब के ऊपर पूरी की पूरी बात किया था। और ये जो पोटेंशियल बायोटेक्नोलॉजी था, ये बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी लोगों ने बात किया था। अब बायो यहाँ पर बात जो की जा रही है, जो ये आर्टिकल मेन रूप से फोकस करना चाहता है वो क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग जो कि बायो मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल तक किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी अर्थव्यवस्था को वो हायर कर सकता है, किसी भी अर्थव्यवस्था को वो कैसे उठा सकता है। तो जैसे बायो मैन्युफैक्चरिंग है वो लिविंग सिस्टम पर जो उसका जो ट्रेड है उसको जो कार्य करने का प्रोसेस है, जो कैसे इकोनॉमी को इनपुट करेगा, वो कौन कौन से सिस्टम पर वर्क करता है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी जो है, पहली चीज़ उसको ये समझ लीजिए कि लिविंग सिस्टम के ऊपर कार्य करता है। लिविंग सिस्टम का मतलब कि जो जीवित तरीके, जो जीवित रहने का तरीका होता है उसके ऊपर, पार्टिकुलरली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल कल्चर, इन सबको जो है वो प्रयोग करता है मालिक्यूल्स के लिए टू प्रोड्यूस मालिक्यूल, और जो मटेरियल है उस पर जो है कॉमर्शियल स्केल पर वर्क करता है, और 60% जो फिजिकल इनपुट होता है उस पर वर्क करता है ग्लोबल इकोनॉमी के, ग्लोबल इकोनॉमी में वो मेंटेन करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है अपने 60% फिजिकल इनपुट के साथ। तो इस तरीके से बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे जो जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, चाइना इसमें बहुत आगे है, तो ये सब अपने इस बायो मैन्युफैक्चरिंग का यूज करके अपनी इकॉनमी को बहुत अच्छे लेवल पे कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर उसको लेकर के चल रहे हैं। अब ये इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का जो नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है वो ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने को लेकर के है, और यह भारत 2025 तक बनाएगा, और इसके लिए उसने 100 बिलियन जो डॉलर है वो हब बनाने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की है, और इससे जो इंडिया को बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक पोटेंशियल उसकी इन्हेंस होगी, यानी कि बढ़ेगी, सप्लाई चेन बढ़ेगी, स्किल्ड मैन पावर होगा, जो पोटेंशियल है वो प्रोवाइड, या और जो जो इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है वो एक अच्छे लेवल पर निकल करके आएगी, और इससे बहुत सारी चीज़ें इफेक्टेड होंगी। अब इंडिया के पास राइटर कह रहे हैं कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा जो पूरे विश्व में जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होती है अगर उसकी तुलना की जाए, या मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का मतलब जो बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरीके, जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उसका जो कास्ट आता है वो इंडिया में 33% है, और अगर इसकी कंपैरिजन किया जाए
33% कम है यूएस के मुकाबले। यूएस में हाई है क्योंकि भाई वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वो सब है। इंडिया का जो लो कास्ट है, एंजाइम है, रिजेंट्स है, रिसर्च मटेरियल है, इक्विपमेंट है, इन्हीं सब का जो प्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं राइटर की 33% कंपेरिजन विथ यूएस, यानी कि यूएस की तुलना में 33% से कम लागत पर ये सब इंडिया में प्रोडक्शंस होते हैं, उसका वर्क किया जाता है। और अगले 5 सालों में जो है 10 मिलियन लीटर भारत की जो फर्मेटाइल्स कैपेसिटी है उसको लेकर के है कि अगले 5 सालों में 10 मिलियन लीटर वो फर्मेंटेशन क्षमता पर अपना प्रोडक्शंस करेगा। अब क्वाड क्या है, क्वाड इसमें कैसे जो है मदद कर सकता है, क्वाड को लेकर के राइटर क्या कहते हैं कि क्वाड जो इंडिया में टेक्नोलॉजी लेकर के आया है, इंडिया को ज़रूरत है क्वाड की, क्योंकि क्वाड में इसकी बात की गई है क्योंकि इंडिया के पास लैक है एक ब्रॉड कैपिटल को लेकर के, एक बड़ी पूंजी को लेकर के इसमें अभाव होती है। और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया के पास अभी इतनी हायर लेवल पर ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है, हायर लेवल पर उसमें जो टेक्नोलॉजी को लेकर के जो ट्रेनिंग की जाती है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्कॉलर रिसर्चेज हैं, जो ये सब अभी इंडिया के पास नहीं है। और क्वाड के जो और सारे देश हैं उसमें ये सब अपनी हायर टेक्नोलॉजी की क्षमता को लेकर के चल सकते हैं, हायर टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर के आ सकते हैं। अब क्वाड जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके, यानी कि उसके देश में जो उत्पादन हो रहा है उसको अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे इंडिया को, और कनेक्ट इन जो है इन्वेस्टर को, यानी कि जो निवेशक होते हैं उनसे उनके साथ संबंधों को लेकर के, और उसकी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर की, चाइना इस सेक्टर्स में बहुत ही आगे है, उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको लेकर के कम करे। फिर ट्रेनिंग जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसको इंडिया में जो है स्टेबलाइजेशन करे, इंडिया में लेकर के चले, उसको ट्रेनिंग इंडिया को दे ताकि इंडिया की जो पोटेंशियल है वो इन्हेंस हो। अब इसके बाद जो यहाँ पर बात कर रहे हैं राइटर की ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग का जो लेवल होना चाहिए वो कमर्शियल रेट पे होना चाहिए, कमर्शियल और रिसर्च डेवलपमेंट के बेसिस पर हो, डाटा शेयरिंग हो, एक तरीके से सहिष्णुता और सद्भावना की भाषा में हो, और पूरे जो क्वाड में है उसमें कोलाबरेशन की बात हो, उसमें जो सहयोग की भावना हो। तो इस तरीके से जो क्वाड है वो इंडिया की हेल्प कर सकता है, और आपस में ही इस तरीके की हेल्प करके उसको बहुत आगे उसमें इन्हेंस किया जा सकता है इंडिया में। और ये आरटीएल जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है एपीआई, उसमें चाइना की अभी बहुत आगे है चाइना उसमें, तो चाइना का जो है उसको करने के लिए अभी भारत ने इस सेक्टर्स में जो फार्मास्यूटिकल्स है उसमें $2 बिलियन की बात कही है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। और तो एपीआई जो है इस तरीके से एपीआई के सेक्टर में भी क्वाड इंडिया का मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। यानी कि राइटर कहना चाहते हैं कि क्वाड और उसके जो देश हैं वे आपस में, इंडिया चूंकि अभी विकासशील कंट्री है उसके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज और वो सब नहीं है, तो उसको एक हेल्प की ज़रूरत है, और इस तरीके से हेल्प करके इंडिया को बहुत आगे तक उसमें लेकर के जा सकते हैं, और इंडिया इसमें लीडिंग प्लेयर की भूमिका बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स आर्टिकल था। अब यहाँ पर देखिए जलीकट्टू के ऊपर आया है, जलीकट्टू के विशेष में जलीकट्टू के ऊपर क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा, उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए जलीकट्टू, अब जलीकट्टू के रूप में ये क्या, अभी आपको पता होगा कि ये जलीकट्टू जो खेल हो रहा है ये जलीकट्टू कहाँ पर हो रहा है। ये जलीकट्टू तमिलनाडु का एक राष्ट्रीय खेल है, तमिलनाडु का एक राज्य स्तरीय खेल है, जहाँ पर जो उग्र सांड होते हैं और बहुत बड़े बड़े सांड होते हैं उनको, उनसे मानवों को यानी कि जो लड़के होते हैं, युवा लड़के होते हैं, उनको लड़ना होता है, उनको नियंत्रण करना होता है। और भाई कोई भी सांड होगा या जानवर होगा वो उग्र रूप कब धारण करता है, जब आप उसको परेशान करो, नॉर्मली तो वो उग्र धारण नहीं करता। तो पहले क्या होता था कि उसकी आँखों में ये लोग लाल मिर्ची डाल देते थे या उसको परेशान करने के लिए, ताकि वो उग्र हो जाए और उग्र हो करके प्रेजेंट हो
और तब ये जो है उस पर नियंत्रण की बात करें, तो ये बहुत गलत था। तो इसके लिए कोर्ट में भी जाया गया, तो कोर्ट में राज्य सरकार ने उसको कल्चर का बहाना देकर के कि ये सांस्कृतिक जो तमिलनाडु का सांस्कृतिक खेल है और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है इस तरीके से उसकी जांच नहीं कर सकती है और ये इसको उसी रूप में बने रहने देना चाहिए, लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। ये कोर्ट के नियम के खिलाफ 2017 में जो है ये वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग वहाँ पर गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया कि कोर्ट के निर्णय को जो है पलट दिया, उसको चेंज कर दिया और तमिलनाडु की असेंबली की जो बात थी कल्चर सेंटीमेंट को लेकर के, जलीकट्टू के पीछे सांस्कृतिक भावना को लेकर के, उसको मानते हुए वो उस निर्णय को बना दिया कि ये जलीकट्टू तमिलनाडु का सांस्कृतिक भावनाओं का खेल है और इसको जो है अब ये इसको इसी रूप में बने रहने देना चाहिए। लेकिन ठीक है, इस रूप में कल्चर भावना बने रहने देना चाहिए, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो ये भी तय करते हैं, ये भी तर्क देते हैं कि जो ये खेल है मैन और बुल के बीच संघर्ष को लेकर के, वो एक जो खेमा है वो कहता है कि पशुओं का जो अधिकार है वो इसके खिलाफ है, पशुओं के अधिकारों के खिलाफ है। इस तरीके से वहाँ पर पशु के अधिकारों की जो है वो उल्लंघन उसका किया जाता है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको स्टॉप करना चाहिए, इसको एक तरीके से बंद किया जाना चाहिए। और दूसरे लोग कहते हैं कि जो दूसरा खेमा है वो सीधे सीधे कहता है कि नहीं, ये जो है कल्चर एक्टिविटीज, यानी कि जो सांस्कृतिक ट्रेडिशनल होता है, जो तमिलनाडु की जो सांस्कृतिक भावनाएं हैं उसको लेकर के बात कही जाती है। तो तमिलनाडु ने सेटल किया किसको लेकर के, जलीकट्टू के पूरी बातों को सुना तमिलनाडु ने और जलीकट्टू के कल्चरल इवेंट को लेकर के तमिलनाडु ने एक तरीके से इस पर अपना फैसला बनाए रखा, उसको लेकर के चला। तो यहाँ पर जो ये कहते हैं कि जो ये 5 जजों की बेंच थी उसने 2 आधार पर इस निष्कर्ष को निकाला, एक कि जो नया जलीकट्टू आया है वो पहली चीज़ की पहले की तरह क्रूर और दर्द भरा नहीं है कि पहले की तरह सांडों को मारा जाए, उनको घायल किया जाए, उनको उत्तेजित करने के लिए दवाइयाँ खिलाई जाएं, उनके आँखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया जाए, तरह तरीके से जो उनको दर्द दी जाती थी वो उसका वो जो है नहीं है, अब नए फॉर्म में आ रहा है, अब उनको उत्तेजित नहीं किया जाता, उनको उनको परेशान करने के लिए कोई अन्य तरीका नहीं अपनाया जाता। तो ये जो है कोई नया, ये जो तर्क दिया गया ये कोई नया रोकने का उपाय नहीं था। और कोर्ट ने जो है दूसरा जो सुना कि तमिलनाडु की जो विधानसभा थी उसने सीधा कहा कि ये कल्चरल हेरिटेज है और कल्चरल हेरिटेज को किसी के द्वारा नहीं आंकना चाहिए, ये खिलवाड़ है जनभावनाओं के साथ। तो ये जो है कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, आप अपना जो फ्रीडम है कल्चर का, कल्चर हेरिटेज का, उसको आप लेके जाइए, हम इस निर्णय को इसी आधार पर बनाए रखते हैं, यानी कि आपका कल्चरल हेरिटेज का पावर है, राइट है, तो आप उसको कर सकते हैं, कोर्ट इसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट ने जो है पिछली बेंच के जो निर्णय हैं भारतीय कानून के, उसको वीक नहीं किया है और जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं एनिमल राइट के, उसको जो है एक तरीके से इनकार किया और ये जो है अपना जो निर्णय सुनाया वो लेजिस्लेटिव स्कीम के ऊपर सुनाया, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पशु क्रूरता नियम्स होते हैं उसको रखने के बजाय इन लोगों ने, कोर्ट ने पूरी की पूरी जो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली स्कीम थी वहाँ पर की जलीकट्टू जैसे खेल था उसको इन्होंने सुना और उसको अपना जो डायरेक्शन देना होता है निर्णय में उसको दिया। और यही नहीं, बहुत सारे जो स्टेट होते हैं, जलीकट्टू की बात छोड़ दीजिए, जैसे कामबाला हो गया, बुफेलो रेस कर्नाटका में हो गया और बैलगाड़ी की रेसिंग जो महाराष्ट्र में हो गया, ये सब किसी भी नियम से बंधे हुए नहीं हैं, क्रूरता नियम से बंधे हुए नहीं हैं। इन ये जो है स्टेट के खेल होते हैं,
उसमें जो है स्टेट की कल्चरल एक्टिविटी से ये बंधे नहीं हैं, तो कोर्ट ने इनको भी देखा। और इसके बाद अब राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्टेट हैं वो स्टेट ऑलरेडी इन पशुओं के जो क्रूर और दर्द भरा जो बोझ है उसको भी ये लोग अभी झेल रहे हैं, बर्डन कर रहे हैं। और ये खेल केवल और केवल पशुओं के ही नहीं बल्कि मानवों के लिए भी अत्यंत खतरनाक है। और अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन करेगा, कौन उनको सुरक्षित रूप से देखेगा, कौन उनको जो है सुरक्षित देखेगा, उनके लिए जो खेल आयोजक होते हैं और जो दर्शक होते हैं, पशु अगर बाउंड्री तोड़ करके भाग रहा है तो वहाँ जो दर्शक घायल हो जाते हैं उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, और जो आयोजक होते हैं उनको लिए भी इकोनॉमी और इन सब तरीक़ों से उसका उसकी जो व्यवस्था होती है वो सब करना चाहिए। तो कल्चर तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कल्चर के साथ साथ पशु की भी भावना का, सेफ्टी का, ह्यूमन सेफ्टी का, इन सब का भी ध्यान देना चाहिए, राइटर इस बात को कहते हैं। और वैसे मेरे विचार में भाई, अगर मैं अगर कहूँ तो ठीक है आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ है, कल्चर तरीके से आप करो, लेकिन पशुओं का भी नियम होता है, आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी इस हद तक परेशान ना करो कि वो जो है आपके एक्शन, आपके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए उतावला हो जाए। तो इस तरीके से उसका भी ध्यान देना चाहिए, राइटर यही बात कह रहे हैं उसमें। अब देखिए ऊपर वाला आर्टिकल है, अभी परसों हमने बताया था आपको कि इसमें क्या कहानी है, दिल्ली की स्टेट है, दिल्ली जो है अपनी बात लेकर के चल रहा है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो क्या है, कैपिटल क्वांडरी। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स बात की जा रही है वो ये है कि जो अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेकर के आई थी 11 मई को कि जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है वहाँ पर जो कार्यपालिका है और जो विधायिका की पावर है वो अपने जो स्वायत्त तरीके से होना चाहिए, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है वहाँ पर एक तरीके से जो विधायिका और कार्यपालिका पावर होता है वो उन्हीं के पास होना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर 11 मई को अध्यादेश ला दिया। अब इस अध्यादेश के ऊपर जो केजरीवाल जी हैं वो कोर्ट फिर भागेंगे, और इसके बाद बीजेपी ने पहले ही उस जजमेंट में क्या कहा जाना चाहिए क्या नहीं कहा जाना चाहिए वो पहले से ही अपना निर्धारित करके बैठी है। और जब ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनी थी 1991 में क्रिएटेड की गई थी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में, तो जो वहाँ पर ये पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं की गई थी, और जो कन्फ्लिक्ट होता है सेंटर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच वो इतने सालों में NCTD के बीच अभी भी बना हुआ है, उसका कोई भी सलूशन नहीं निकाला गया। जो असेंबली होती है वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार होती है उसी के पास पावर रहना चाहिए, और सारे जो मुद्दे होते हैं एक पूर्ण राज्य का वो चुनी हुई सरकार ही वहाँ पर देखती है। ये भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो अपना उसमें राज्यों को अधिकार दिया गया है। और अगर स्टेट की तुलना करें तो जो दिल्ली के मैटर में है अन्य राज्यों के तुलना में, तो दिल्ली में लॉ आर्डर और लैंड ये जो है सेंटर के साथ रहते हैं और बाकी स्टेट के साथ रहता है। तो इस तरीके से कोर्ट के निर्णय के ऊपर अध्यादेश लाना ये तो अपने आप में जो एक तरीके से जो खुला प्रश्न है वो तो है ही। दूसरी चीज़ की अब यहाँ पर ये सेंटर की बुराई कर रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में थी तो नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से जो जब यहाँ सेंटर में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार थी तो कांग्रेस पर केंद्रीकरण का आरोप लगाया था, और विडंबना इस बात की है कि सीधे सीधे जब वो राज्य में थे तब सीधा केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि केंद्र राज्यों को अधिक अधिकार नहीं देता, हर वर्ग में उनके बाधा पहुंचा रहा है, हर कार्य में बाधा लेकर के खड़ा है, उनको फाइनेंशियल या अन्य कोई पावर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक तरीके से अधिक विकेंद्रीकरण करने की ज़रूरत है। यानी कि जब वो 12-15 साल तक खुद स्टेट में थे तो खुद इस बात को लेकर के बार बार उछालते थे, और आज जब वो सेंटर में हैं तो अधिक केंद्रीकरण की मांग कर रहे हैं।
ये जो दोनों स्टेट यानी कि जब से इन जहाँ जहाँ पर असिमेट्रिक गवर्नमेंट है यानी कि नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ ऐसे मुद्दे देखने की बात आ रही है सामने। और इस तरीके से इनकी जो बात है वो एक तरीके से मैं कहूँ तो सेंटर और स्टेट में ये जो मुद्दा है ये आपस में चल ही रहा है। तो ये जम्मू कश्मीर में भी है और डेमोक्रेसी और संघवाद में ये मुद्दे एक तरीके से राइटर कह रहे हैं ठीक नहीं है, इसका कोई ना कोई जो जुडिशरी सिस्टम है उसका सोलूशंस होना चाहिए और इस पर अपनी वक्तव्य दे रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल है 1 in 7 इंडियन प्राइमरी स्कूल, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सा आर्टिकल है। यहाँ पर देखिए आंकड़े भी आपके सामने दिए गए हैं, ये इंडियन स्कूल्स की यहाँ पर विशेषता को एनालाइज कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में स्पेशली झारखंड के ऊपर ये आर्टिकल है कि स्पेशली जो वहाँ पर झारखंड है वहाँ पर एक टीचर 78 लोगों पर है। और कौन से ज़िले में? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में। और वो भी वो पूर्ण रूप से ट्रेनिंग नहीं किया है, मतलब अनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से झारखंड ही नहीं अन्य भी देशों में अन्य भी राज्यों में भारत के जो स्टेट हैं वहाँ पर भी वही कमोबेश 21 स्टेट हैं ऐसे इंडिया में जहाँ पर ये सिस्टम लागू है। और एक जो एजुकेशन जो बिल था राइट टू एजुकेशन एक्ट जब यह आया था फोर्स में, जब यह मतलब लागू किया गया था 14 साल पहले, उसके बाद से जो सिंगल टीचर भारतीय स्कूलों में रहना चाहिए वो अभी भी 14.7% के साथ अपने उच्चतम स्तर पर है। और ये जो एक्ट था उसने सीधा सीधा स्टेटमेंट था उसमें उसका कहना था कि जो टीचर हैं वो स्कूल में कम से कम 2 टीचर हर स्कूल में होने चाहिए, जबकि झारखंड जो है इस दिशा में बहुत उसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ही पुअर है, बहुत ही वर्स्ट पुअर है। एक तरीके से वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 2 टीचर वहाँ पर रखे जाएं। इसके अलावा जो अन्य स्टेट हैं वहाँ भी सिंगल टीचर का जो स्कूलों में प्रपोर्शन होता है, अनुपात होता है, जैसे आंध्र प्रदेश में 34% है, तेलंगाना में 30% है, कर्नाटका में 29% है और इंडिया में 21 ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं वे सिंगल टीचर के साथ पढ़ रहे हैं। और अभी भी जो है उनका यही है कि झारखंड में 25% के साथ राइज कर रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट है क्लासरूम को लेकर के झारखंड के सिचुएशन के ऊपर 138 प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो है 16 ज़िलों में इनका जो रिपोर्ट है वो एनालिसिस किया गया और ये पाया गया कि इसमें 1/3 जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं वो सिंगल टीचर के साथ हैं। और ये जो मैक्सिमम स्कूल हैं वो पारा टीचर्स के साथ, यानी कि एक तरीके से जहाँ उम्मीद की जाती है कि मैक्सिमम 1 टीचर उनके साथ हैं। और अगर एक एवरेज के रूप में देखा जाए तो 51 लोगों के ऊपर एक टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और ये वहाँ पर मैक्सिमम था जहाँ पर दलित और आदिवासी चिल्ड्रंस की संख्या ज़्यादा थी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए आपको ये पूरे के पूरे आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आंकड़ा आपको दिखाया गया है कि ये प्रपोर्शन आप जो सिंगल चिल्ड्रन हैं उनका जो आंकड़ा है झारखंड में 30.9%, ये आप लोग आंकड़े लिख लीजिएगा। प्रपोर्शन चिल्ड्रन इन्होंने सिंगल टीचर के साथ 24.9% है। फिर नंबर ऑफ ये सिंगल टीचर्स जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर है, तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा है फ्रेंड्स। तो ये कंप्लीट हुआ आपका आर्टिकल्स। और यहाँ पर एक देखिए ये वाला आर्टिकल जो है हाईजेकिंग G20 सिविल सोसाइटी फ्रॉम, ये का काम किए हैं कि ये दर्शन लेकर के लिखे हैं और इतना जो इनका दर्शन है वो एक तरीके से बहुत दर्शनार्थ लिखे हैं कि G20 का जो सोसाइटी है वो हैकिंग कर लिया गया, इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं उठता जो पढ़ाने लायक हो। ये दर्शन अपना दर्शन लिखे हैं, इस पर जब भी कोई बात होगी
तो वो निकल करके आएगी। ये देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, अब न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं, न्यूज एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस कंप्लीट हुआ झारखंड के जयशंकर जी के ऊपर। यहाँ पर देखिए कल जो है